नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा। तो अभी आप देख रहे हो आओ हिमाचल घर से घूमें चैनल हिमाचल प्रदेश जिला चंबा से। वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश ही टूरिस्ट प्लेस है, आल हिमाचल जो है घूमने की जगह है, चाहे शिमला हो, चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, पर ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल जो है शांत एरिया है पूरा। ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर की सीमा से लगता है, यहाँ पर आने जाने के बहुत ही कम साधन है। और अगर हिमाचल की बात करें तो इस इलाके को बहुत ही लोग कम जानते हैं। अगर कोई बहुत ही गहराई से हिमाचल रिसर्च करेगा तो उसको ये प्लेस जो है दिखता है। बाकी जो लोग जानते हैं उनको तो पता है यहाँ पर डलहौजी में हमारे बोर्डिंग स्कूल भी हैं, तो कुछ लोग तो बच्चों को स्कूलों में छोड़ने आते हैं, उनकी वजह से भी जो है ये इस इलाके को जानते हैं। बाकी यहाँ पर मनी महेश की यात्रा भी चलती है, ये जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा ख़त्म होती है तो भरमौर से आगे हमारी जो है ये मनी महेश की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग कभी भी हिमाचल का प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़िला चंबा को आप लोगों को ज़रूर जो है अपने टूर में ऐड करना चाहिए। यहाँ पे घूमने के प्लेस हैं भरमौर, खजियार और डलहौजी, तो ये बहुत ही फेमस जगहें हैं। पर आने जाने के साधन और जानकारी ना होने के कारण जो है यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं, और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही खुश होके जो है इन रूटों से जाते हैं, बहुत इंजॉय वो लोग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोबर की खाद हम कैसे बढ़ाते हैं, उसमें क्या क्या और डालने से जो है अच्छी खाद हमारी बन जाती है, ये सब दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि गोबर की खाद कैसे तैयार होती है और उसमें हम और प्लस क्या क्या उसमें डालते हैं। ये आप पीछे का व्यू देख लो, तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई पेंटिंग नहीं किया हुआ है। ये देखो कितना अच्छा जो है ये नज़ारा है। ये देखो ऐसे लग रहा जैसे कोई पीछे पिक्चर जो है रखा हुआ है। तो यहाँ से बहुत दूर दूर तक आप जो है देख सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा बहुत अच्छी रेंज वाला है तो बहुत ही ज़्यादा जो है इन रूटों से फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। ये देखो कितना ज़बरदस्त जो है व्यू जो है पीछे का बना हुआ है। ये देखो तो ये पीछे हिमालय की हमारी पीर पंजाल रेंज है, एकदम पूरी दीवार की तरह जो है खड़ी है। ये देखो व्यू बहुत ही अच्छा व्यू जो है इन रूटों पे आपको हर जगह से देखने को मिलेगा। ये मेरे बगल में ही पानी के टैंक बने हुए हैं, क्योंकि ये टॉप पे जगह है
तो पूरे इलाके को जो पानी है यहीं से सप्लाई होता है। ये देखो पूरा जितना भी नीचे का गांव है तो यहीं से उनके लिए जो है पानी जाता है। ये पानी के टैंक बने हुए हैं। तो ये हम आगे हैं चीड़ के जंगल में, तो जो इनकी पत्तियां गिरती हैं इन्हीं पत्तियों के कारण जो है जंगलों में आग लगती है, और जितना बर्फ पे फिसलन नहीं होता है उससे ज़्यादा जो है ये पत्तियां जो है ये स्लिप करती हैं। ये देखो जो ब्राउन ब्राउन पत्तियां हैं ये, तो चाहे कोई जानवर हो, पशु हो या इंसान हो, तो इन पत्तियों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो है इन पत्तियों पे फिसलन होती है। तो ये इस तरफ का हमने सारी पत्तियाँ ये उठा ली हैं, तो ये आग जलाने के भी काम आती है, और इससे हम गोबर की खाद भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये पशुओं के अगर हम नीचे डालते हैं गौशाला में, तो उनको भी बैठने में इससे जो है आराम होता है। तो अभी हम ये पत्तियाँ जो है इकट्ठी करेंगे, तो इससे पशुओं को यहाँ पे घास खाने में भी जो है आसानी हो जाएगी, और जो है फिसलन भी खत्म हो जाएगी। तो इसको उठाने से दो तीन फायदे हो जाते हैं। तो ये पत्तियाँ जब हट जाएंगी तो रास्ते पे फिसलन भी जो है कम हो जाएगी, और हमारा जो है एक तो आग जलाने में ये पत्तियाँ काम आ जाएगी, और दूसरा हमारी जो है खेतों में खाद जो है इससे दो तीन चार गुना जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाई दे और बहुत ही अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है। अगर आप लोग हवा की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो ये देखो पीछे पत्तियाँ भी जो है हिल रही हैं। कर दे बंद भैया। हाँ छुट दे भैया, बच्चे रख दे, रख दे सानू, रख दे बच्चे। तो ये हमारा जो है गोबर का ये पूरा ढेर है, अब इसको हम पूरा इन पत्तियों से जो है ढक देंगे, इन पत्तियों को पूरा इससे ढक देंगे, और इसके ऊपर जो है फिर कल से और जो है गोबर डाल देंगे। तो इससे जो ये पूरी खाद है बहुत ही जल्दी जो है भुरभुरी हो जाती है।
ये जो पत्तियां हैं ये पूरी जो खाद हमारी है उसको एकदम से भुरभुरा कर देगी ये। तो जब हम एप्पल के पौधे वगैरह लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो भी उन गड्ढों को जो है एक साल के लिए, एक साल तक हम खड्डे करके उनमें ये पत्तियां और ये चीड़ के पेड़ के जो छिलके होते हैं उनको जो है एक साल तक गड्ढे में जो है भर के रखते हैं, और वो जो फिर गलते हैं ये पत्तियां और वो छिलके, तो उससे पूरा मिट्टी अंदर का भुरभुरा हो जाता है और पौधा जो है वो बहुत ही जल्दी जो है तैयार होता है, उसकी जड़ें जो है बहुत जल्दी जो है फैलती हैं। तो ये जो तरीका है ये कम गोबर से ज़्यादा हम खाद कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी जगह पे ये यूज होता है, जहाँ पे गोबर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ऐसा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जहाँ पर हमारे पास गोबर कम है और हमें खाद जो है ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर हम ऐसा अगर करते हैं तो हमारी खाद जो है हम जितनी चाहे खाद जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये था कम गोबर से ज़्यादा खाद तैयार करने का तरीका जो कि हम लोग यूज करते हैं, जितनी चाहे हम खाद बढ़ा सकते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिमाचल प्रदेश से जो भी मैं नेचर ब्यूटी दिखाने की कोशिश करूं वह आप लोगों तक पहुंच सके। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल और नई किसी वीडियो के साथ। तब तक जय भारतवर्ष, जय माता दी, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।